ये देखिए, ये मेरा पेशावरी स्टाइल रोस्ट गोश्त बन के तैयार हो गया है। बर्तन खाने के लिए बिल्कुल रेडी है ये। सो गाइस देखिए, ये गोश्त ले लिया है, ये बड़े का गोश्त है और इसको हमने धो दिया है साफ़ करके। अब हम ये रोस्ट गोश्त बनाने जा रहे हैं, तो इसकी सामग्री देख लीजिए। एक किलो ये गोश्त है, इसको धो लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 3 चम्मच, और ये आज एक है, इसको हमने छील के धो लिया है। टमाटर भी धो लिया है, हरी मिर्च भी धो ली है। चलिए देखिए, ये गोश्त को जो है हम एक कुकर में डाल देंगे, इसका बिल्कुल पानी नहीं रहेगा इसमें। इसको हमने कुकर में डाल दिया सारा गोश्त, और अब हम इसमें जो है ये इसमें बीच में प्याज रख देंगे, और ये टमाटर भी रख देंगे, और ये हरी मिर्च है 4 हरी मिर्च रख देंगे, और ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी इसी में चला जाएगा, और थोड़ा सा भी हम इसमें तेल भी इसमें ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा ही तेल पड़ेगा। ये देखिए इसमें ये बस ये 1 चम्मच इसमें तेल डाल दिया है, और बस इसको थोड़ा सा अदरक लहसुन को इधर उधर कर देंगे, और बस हम इसको गैस पे चढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, शावरी स्टाइल गोश्त है ये। अभी जब ये बन जाएगा तो हम इसको आपको दिखाएंगे। इसमें हमने पानी डाला नहीं है, इसमें कम से कम 6 से 7 सीटी लेंगे, फिर इसको देखेंगे गला कि नहीं गला, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसका कुकर हमने खोल दिया है सीटी निकाल के, जो भी बाकी था हवा, और ये देखिए ये गोश्त गल गया है, और प्याज भी गल गई है इसी में, टमाटर भी डाला था ये देखिए वो भी गल गया है, और अब हम इसी में ये 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर होममेड जो है घर में हम बनाते हैं वो है, वो हम इसी में डाल देंगे। गरम मसाला डाल दिया है, और अब हम इसको एकदम अच्छे से भून लेंगे, फिर हम भून के आपको दिखाते हैं। देखिए गोश्त तो ऑलरेडी गल गया है, लेकिन थोड़ा सा गोश्त का पानी जो छूटता है, ये चिकनाई और गोश्त का पानी है, तो इसको ही हम जलाएंगे और इसको एकदम अच्छे से भून देंगे, ये एकदम रोस्ट गोश्त तैयार हो जाएगा। ये देखो, चलिए ये देखिए, ये पूरा पानी इसका ये देखिए सूख गया है, सिर्फ तेल ही तेल रह गया है इसमें, तो ये देखिए पूरा ही मेरा ये जो है रोस्ट गोश्त बिल्कुल भून के तैयार हो गया एकदम। और अभी हम इसमें स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं। गोश्त जो है बिल्कुल रोस्ट हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना है, ज़बरदस्त बना है ये देखिए। और हमने इसमें जो है 2 मिर्ची हरी ऊपर से और डाल दी थी, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, और इसमें नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, और ये देखिए गोश्त जो है बिल्कुल मेरा ये देखिए ये एकदम गल गया है। हम इसको आपको प्लेटिंग करके भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा पेशावरी स्टाइल रोस्ट गोश्त बन के तैयार हो गया है। बर्तन खाने के लिए बिल्कुल रेडी है ये। चलिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है। प्लीज़ अगर ये पसंद आए तो आप इसको एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।